एक नाम जो 1985 से बिना किसी पार्टी से जुड़े राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन आज मनसे को चुनते हुए मनसे में शामिल हुए, वो नाम है निकोलस अल्मेडा, जो पूर्व नगर सेवक व सामाजिक कार्यकर्ता है। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे की उपस्थिति में फूल गुच्छ देते हुए मनसे में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत में निकोलस अल्मेडा ने राज ठाकरे को अपना गॉडफादर बताया है। राज ठाकरे जी के घर पे आए, क्या कुछ विषय रहा और किस सब? 1985 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ग्राउंड लेवल का वर्क करता हूँ, लेकिन राज साहब ये मेरा समझो गॉडफादर है और मैंने उनका काम देखा है, जमीन से लेके ऊपर तक काम किया और आवाज़ बोलेगा तो पूरा बुलंद आवाज़, जैसा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आवाज़ था वो उसी स्तर का आवाज़ है। सचमुच दिल से ये हो गया कि मैं इतना साल इंडिपेंडेंट था, लोगों के हमारे सार गांव के लोगों के वजह से हम लोग एक उनका एक वैल्यूबल वोट से मैं एक नगर सेवक बना और नगर सेवक बनते मैंने बदन पे घासलेट डाला था उस टाइम में बिजली लाने के लिए, और बिजली ला के जो मुझे उस टाइम में ज्वाला मिली वो ज्वाले के साथ में आज से मैंने राज साहब का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद में मैं आज से वही ज्वलंत ज्वाला रख के आगे की काम करूँगा और ये काम से मनसे का झंडा ये कॉरपोरेशन में नहीं तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लहराने का मेरा सपना है वो पूरा करूँगा। आज सर आप मनसे की पार्टी में जो है राज ठाकरे के साथ जो है आप ज्वाइनिंग भी हुए, किस विषय को लेके ज्वाइनिंग हुए और क्या किस तरह से काम किया जाएगा? सब राज साहब निडर आदमी है, मेरे पर 105 केसेस है बम्बई शहर में, मैं आंदोलन करते हूँ जमीन स्तर के पर, बोले हिंदुओं का मुद्दे के पर बोलो, शिवाजी के मुद्दे पे, मेरे सारगांव के झोपड़पट्टी के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे मैं ये करता हूँ। जैसा निडर आदमी रहता है वैसा उसी पक्ष में जाने का मुझे बहुत इच्छा था और आज मेरा सपना साकार हो गया।